welcome and welcome back to our channel What the Fam. क्या लगता है क्या जीतेगा इसमें? I don't know, 2022 है so इतने आ गए ना कि अब ऐसा याद भी नहीं मुझे तो आधे से ज्यादा I guess मेरे हम सफर इसमें आता है फिर हाँ रिकॉर्ड मेकिंग फॉर श्योर एंड लास्ट टाइम भी हमने जब किया था लोगों को चाहिए था कि हम और ज्यादा इयर्स पे करें अरे हम लोगों को तो खुद को मजा आता है एंड ऐसे गेस करना कि अरे ये स्टोरी सीरियसली या फिर ये स्टोरी एक्सपेक्टेड था वो वाले पूरे मोमेंट्स हमें बहुत पसंद है ये उन्हीं सेम चैनल का है क्या हाँ. क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छे से डाला था तो चलो करते चलो रिकॉर्ड ब्रेकिंग पाकिस्तानी ड्रामा 2022 उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलें शुक्रिया नंबर 12 संगे माँ एक पाकिस्तानी टेलीविजन सीरीज है और संगे मरमर ड्रामे का सीक्वल है मरकजी प्लॉट लाइन विलियम शेक्सपियर के हैमलेट से मुतासिर होकर मुस्तफ़ा अफरीदी ने लिखा है सैफी हसन ने इसे डायरेक्ट किया है और मोमिना दुरेद ने एमडी प्रोडक्शंस के बैनर तले इसे प्रोड्यूस किया है यह सीरीज इन राजों के गिर्द घूमती है जो इस वक्त खुलते हैं जब एक नौजवान हिलमत अपने वालिद के कत्ल का बदला लेने का फैसला करता है यह गग की शक्ल में खवातीन पर होने वाले जुल्म पर तवज्जा मरकूज करता है इस ड्रामे की मरकजी कास्ट में आतिफ असलम सानिया सईद नुमान एजाज सुमैया मुमताज हानिया आमर कुबरा खान जावियार नुमान इजाज और उमैर राना शामिल हैं। यह सीरियल आतिफ असलम की टेलीविजन अदाकारी की शुरुआत है जो हिलमत खान का मरकजी किरदार अदा कर रहे हैं इस ड्रामे की टोटल 26 इकसाद है इस ड्रामे का प्रीमियर 9 जनवरी 2022 को हम टीवी पर हुआ और इस ड्रामे की आखिरी किस्त 3 जुलाई 2022 को नशर की गई नंबर 11 हम तुम 2022 की एक पाकिस्तानी रमज़ान खसूसी टेलीविजन रोमांटिक कॉमेडी सीरीज है जिसे साइमा अकरम चौधरी ने लिखा है दानिश नवाज ने इसे डायरेक्ट किया है और इसे हम टीवी पर नशर किया गया मोमिना दुरेज ने एमडी प्रोडक्शंस के बैनर तले इसे प्रोड्यूस किया है इस ड्रामे की मरकजी कास्ट में अहद जमीर रमशा खान सारा खान और जुनेद खान शामिल हैं इस ड्रामे की टोटल 31 इकसाद हैं इस ड्रामे का प्रीमियर 3 अप्रैल 2022 को हम टीवी पर हुआ और इस ड्रामे की आखिरी किस्त 3 मई 2022 को नशर की गई इस ड्रामे की कहानी एक मोहल्ले के दो घरों के गिर्द घूमती है जहां एक घर में जहीन लड़कियां हैं जबकि दूसरे घर में अच्छे इखलाक वाले लड़के हैं नंबर 10 बख्तावर एक पाकिस्तानी टेलीविजन सीरीज है जिसे शाहद शफात ने डायरेक्ट किया है और इस ड्रामे का प्रीमियर 17 जुलाई 2022 को हम टीवी पर हुआ इसे मोमिना दुरेद ने एमडी प्रोडक्शंस के बैनर तले प्रोड्यूस किया है इस ड्रामे में यमुना जैदी को एक नौजवान लड़की के किरदार में दिखाया गया है जो अपनी मुश्किलात से बचकर अपने लिए एक बेहतर कल बनाना चाहती है इसे नादिया अहमद ने लिखा है और इस ड्रामे की अब तक 17 इकसाद नशर हो चुकी हैं। नंबर 9 मुश्किल दो बेहतरीन दोस्तों समीन और हरीम के दरमियान दोस्ती की पैरवी करता है जिसका इम्तहान इस वक्त होता है जब वो मुश्किलात का सामना करती हैं एक आजाना पस मंजर से ताल्लुक रखने वाली समीन एक नौजवान और भोली भाली लड़की है जो अपनी खानदानी इकदार को समझती और इनका एहतराम करती है यूनिवर्सिटी में इकट्ठे पढ़ते हुए समीन और हरीम एक दूसरे के राजदार हैं हरीम अपने एक साथी फराज से एक तरफा मोहब्बत करती है जो एक खूबसूरत नौजवान है ताहम वो हरीम के जज्बात से बेखबर है मामलात हैरान कुन मोड़ लेते हैं जब हरीम के ख़ानदान का एक ज़बरदस्त फैसला और फराज को जीतने का इसका जुनून कई गलत फहमियों का बास बनता है समीन के अपने बेहतरीन दोस्त की मदद करने के इरादे इसे मजीद मुसीबत में ले जाते हैं जहाँ इसे अपनी इज्जत बचाने के लिए छोड़ दिया जाता है
क्या समीन गलत फहमियाँ दूर कर पाएगी या हरीम बदला लेने में बहुत आगे जाएगी। दोनों के दरमियान वाज़ह इख्तलाफात के बावजूद क्या समीन और फराज एक दूसरे को समझ पाएंगे। हरीम की इंतकामी कार्रवाइयों के बावजूद क्या समीन फराज के साथ अपना रिश्ता बचाने में कामयाब हो जाएगी। इसे अदील रजाक ने लिखा है और मरीना खान ने इसे डायरेक्ट किया है। नंबर 8, फर्क। फर्क दो मुख्तलिफ अफराद ईसा और कमाल की कहानी है जो समझौता करने वाले हालात में एक गैर मामूली यूनियन बनाने के लिए इकट्ठे होते हैं। बाहर से लगता है कि ईसा और कमाल एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं। वो किरदार, जिंदगी के इंतखाब, ख्वाहिशात और समाजी और इक्तसादी पस मंज़र के लिहाज से बहुत मुख्तलिफ हैं। एक तरफ ईसा ऐशो इशरत की ज़िंदगी गुजारना चाहती है जबकि कमाल इस तन्हाई से तंग आ चुका है जो इसके घर की पेशकश है। एक जोड़े के तौर पर एक साथ होने के बावजूद क्या दोनों कभी अपने आप में सच्चाई को देखेंगे कि वह कौन है और ज़िंदगी में क्या चाहते हैं। इसे इमरान नज़ीर ने लिखा है और एहसन तालिश ने इसे डायरेक्ट किया है। नंबर 7, चौधरी एंड सन्स। चौधरी एंड सन्स 2022 की एक पाकिस्तानी रोमानवी फैमिली रोमांटिक कॉमेडी सीरीज है जिसे अब्दुल्ला कादवानी और असद कुरैशी ने सेवन स्काई एंटरटेनमेंट के बैनर तले प्रोड्यूस किया है। इसे साइमा अकरम चौधरी ने लिखा है और इस ड्रामे की मरकजी कास्ट में इमरान अशरफ, आयजा खान, सुहेल अहमद, ईसा गजल, मदीहा रिजवी, आसमा अब्बास, यासिर नवाज, बीनस चौहान, नूरुल हसन और शगुफ्ता एजाज शामिल हैं। इसे सैयद वजाहत हुसैन ने डायरेक्ट किया है और इस ड्रामे की टोटल 33 इकसाद है। इस ड्रामे का प्रीमियर 3 अप्रैल 2022 को जियो एंटरटेनमेंट पर हुआ और इस ड्रामे की आखिरी किस्त 5 मई 2022 को नशर की गई। नंबर 6, वो पागल सी। वो पागल सी एक पाकिस्तानी टेलीविजन सीरीज है जिसे ARY डिजिटल पर नशर किया गया। इसे सादिया अख्तर ने लिखा है, फैसल बुखारी ने इसे डायरेक्ट किया है और हुमायूं सईद और शहजाद नासिक ने सिक्स सिग्मा एंटरटेनमेंट के बैनर तले इसे प्रोड्यूस किया है। इस ड्रामे की मरकजी कास्ट में हीरा खान, उमर शहजाद, साद कुरैशी, जुबाब राना और बाबर अली शामिल हैं। इस ड्रामे की टोटल 62 इकसाद हैं। इस ड्रामे का प्रीमियर 27 जुलाई 2022 को ARY डिजिटल पर हुआ और इस ड्रामे की आखिरी किस्त 7 अक्टूबर 2022 को नशर की गई। नंबर 5, हब्स। हब्स ड्रामे की कहानी रोमानवी जज्बात और तफरी से भरपूर है। फिरोज़ खान और उशना शाह ने मरकजी किरदार अदा किए हैं। सुपरहिट ड्रामे ए मुश्ते खाक में परफॉर्म करने के बाद फिरोज़ खान ड्रामा सीरियल हब्स में एक नए दिलचस्प किरदार के साथ जलवागर होंगे। ड्रामे की कहानी आयशा साकिब नामी एक गरीब नौजवान लड़की की जिंदगी के गिर्द घूमती है। आयशा उमर ने इस सीरियल में मनफी किरदार अदा किया है और इनकी अदाकारी भी लाजवाब है। इसे मुसद्दिक मलिक ने डायरेक्ट किया है, आलिया मखदूम ने इसे लिखा है और सिक्स सिग्मा एंटरटेनमेंट ने इसे प्रोड्यूस किया है। नंबर 4, मेरे हम नशीन। मेरे हम नशीन 2022 की एक पाकिस्तानी टेलीविजन सीरीज़ है जिसे मिसबा अली सैयद ने लिखा है, अली फैज़ान ने इसे डायरेक्ट किया है और अब्दुल्ला कादवानी और असद कुरैशी ने सेवन स्काई एंटरटेनमेंट के बैनर तले इसे प्रोड्यूस किया है। इस ड्रामे की मरकजी कास्ट में हिबा बुखारी, एहसन खान, शहजाद शेख, सैयद इब्रान, मोमिना इकबाल और मोमल खालिद शामिल हैं। यह ख्वाहिशमंद डॉक्टर के सफ़र के गिर्द घूमता है जिसका मकसद अपने इलाके में हस्पताल का क्याम है, क्योंकि इसकी अदम दस्तियाबी की वजह से इसने अपने वालिदैन को खो दिया था और इसे हासिल करने में इसे कई रुकावटों का सामना करना पड़ता है। इस ड्रामे का प्रीमियर 6 मई 2022 को जियो इंटरटेनमेंट पर हुआ और इस ड्रामे की आखिरी किस्त 1 अक्टूबर 2022 को नशर की गई। इस ड्रामे की टोटल 43 इकसाद हैं। नंबर 3, सियानी। एक निचले मुतवसत घराने से ताल्लुक़ रखने वाली किरण एक खुदगर्ज और मगरूर लड़की है जो अपने तरीकों को दुरुस्त करके और शॉर्टकट्स इख्तियार करके अच्छी ज़िंदगी गुजारने की ख्वाहिश रखती है। किरण की वालिदा नुसरत आरा अपनी बेटी की फितरत से वाकिफ़ है लेकिन वो इसे कुछ करने से नहीं रोकती है।
इसके बरक्स उजाला एक खुश इखलाक और खूबसूरत लड़की है जो किरण के खानदान के साथ रहती है और खुद मुख्तार बनने की कोशिश करती है। जरबाब एक खूबसूरत नौजवान जिसका ताल्लुक एक बाअसर और अमीर घराने से है। किरण के साथ इसकी पहली मुलाकात जादुई साबित हुई क्योंकि इसे पहली नज़र में ही मोहब्बत हो जाती है। किरण इसे ज़िंदगी में आगे बढ़ने के रास्ते के तौर पर देखती है और जरबाब के गिर्द झूठ और फरेब का जाल बनाती है। दूसरी तरफ उजाला मोहब्बत और अधूरे ख्वाबों से महरूम जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। क्या उजाला को कभी वो प्यार और एहतराम मिलेगा जिसकी वो हकदार है? झूठ और फरेब पर जिंदगी बसर करने के बाद किरण कब तक सच को छुपा सकेगी? इसे सादिया अख्तर ने लिखा है, अली अकबर ने इसे डायरेक्ट किया है। नंबर दो, मेरे हम सफर एक पाकिस्तानी टेलीविजन सीरीज है जिसे हुमायूं सईद और शहजाद नासिब ने सिक्स सिग्मा एंटरटेनमेंट के बैनर तले प्रोड्यूस किया है। इसे कासम अली मुरीद ने डायरेक्ट किया है और इस ड्रामे का प्रीमियर 30 दिसंबर 2021 को ARY डिजिटल पर हुआ और इस ड्रामे की आखिरी किस्त 3 अक्टूबर 2022 को नशर की गई। इस ड्रामे की मरकजी कास्ट में फरहान सईद, हानिया आमर, सबा हमीद, वसीम अब्बास, समीना अहमद, जोया नासर, हिरा उमर और तारा महमूद शामिल हैं। इसे सायरा रजा ने लिखा है और इस ड्रामे की टोटल 40 इकसाद हैं। मेरे हमसफर हाला के गिर्द घूमता है जिसे इसके वालिद इसके घर पर छोड़ जाते हैं जहां इसके साथ बुरा सलूक किया जाता है। बाद में इसका कज़न बैरून मुल्क से वापस आता है और इससे शादी करता है और इसे वो इज्जत देता है जिसकी इसे हमेशा ज़रूरत थी। हाला को इसकी ताई जान ने सारी ज़िंदगी बदसलूकी का निशाना बनाया, इसके कज़न हमजा ने इसे इज्जत और प्यार दिया। नंबर एक, कैसी तेरी खुदगर्जी एक पाकिस्तानी टेलीविजन सीरीज है जिसे अब्दुल्ला सेजा ने आई ड्रीम इंटरटेनमेंट के बैनर तले प्रोड्यूस किया है। इस ड्रामे की मरकजी कास्ट में लैला वास्ती, शहूद अलवी, हमाद शुएब, जैनब कयूम, नुमान इजाज, दानिश तैमूर, अतीका ओडो और दुरेव शाह सलीम शामिल हैं। इस ड्रामे का प्रीमियर 11 मई 2022 को ARY डिजिटल पर हुआ। इसे रादेन शाह ने लिखा है और अहमद भट्टी ने इसे डायरेक्ट किया है। इस ड्रामे की अब तक 32 इकसाद नशर हो चुकी हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे अभी लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें। शुक्रिया। देख कितना सा थ्रोबैक फील आ रहा है जब ये सब ड्रामास के नाम देखे कि इट्स बीन अ वाइल्ड ओपन इनके टीजर्स देखे हैं, ओएसटी देखे, बट इट्स वेरी शॉकिंग कि हम तो इतना पीछे है। इट इज लाइक 11th में था ना, टॉप 12 में, बट देन लाइक आई फील ऐसे रेस में ना कॉमिक सीरीज का नंबर 1 नंबर 2 या वैसे रैंकिंग पे आना उतना इजी भी नहीं होता है। इट्स सुनो चंदा और सब भाई, इट्स लाइक सुपर समथिंग एल्स। तो वो अलग, पर नंबर 11 क्योंकि चौधरी एंड सन्स वो 7 राइट 7-8 पे था, तो आई विश इट वाज समवेयर नियर लाइक, क्योंकि जितने कंपटीशन वाइज हमने सुना है दोनों में ही बहुत ज्यादा टक्कर थी, सुनो चंद हम तुम और इसमें चौधरी एंड सन्स। या मैं ये सोच रही हूँ बट मेरे हम सब टॉप 2 में कैसे गया वही टू पे, और कैसे तेरी खुदगर्जी 1? हाँ लाइक कैसे तेरी खुदगर्जी 1 इज माय क्वेश्चन। अरे वो मैं तेरे को पीछे बोलने ही वाली थी कि इस लिस्ट में वो पगली सी भी आएगा वो पगली सी ही रहेगा वो हमारे दिमाग में हमेशा। देखो याद था वो पगली सी 22 का है, क्योंकि मैं वो याद कर रही थी कि कौन से ऐसे थे जिनका अपन ने एक्स्ट्रा इंटरव्यू किया हुआ है, लोगों ने उसका थोड़ा एक्स्ट्रा बोला तो उसमें से एक वो था। 21 देखेंगे तो एकदम थ्रोबैक फील्स आएगा, हमने ये देखा वो हमने ये देखा, बढ़िया अच्छा था। एक्चुअली इनका बेस्ट पार्ट है इनके चैनल का कि बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं कि स्टोरी, आई थिंक इतना देते हो तो समझ आता कि ओके भाई वो सिर्फ नेम बोल के आगे नहीं बढ़ते हैं। एक मिनट, लेकिन बत्तावर 23 में भी नहीं था क्या? मुझे से था, था, था। और उसमें स्टोरी बताई थी उनके चाचा का कुछ तो, और बट आई फील वो ऐसा होगा कि स्टार्ट 22 में हुआ 23 में खत्म। स्टार्ट जुलाई बोला कुछ उन्होंने डेट, तो उन्होंने चीटिंग कर दी वहाँ, मुझे ऐसे लग रहा है शायद कुछ हो गया रहेगा क्योंकि मुझे जहाँ तक याद है उन्होंने कुछ जुलाई डेट बोला उसका। ठीक है गाइस, सो एक्साइटिंग वाचिंग, टेक केयर, सी यू, अभी 21 करने वाले बहुत जल्दी क्योंकि एक्साइटिंग होगा। टाटा, सी यू, टेक केयर।